हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति देशवाल। वेलकम टू द स्क्वायर रूट एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज़ेनर डायोड एंड ब्रेकडाउन्स इन डायोड। सो वी हैव टू टाइप ऑफ ब्रेकडाउन। फर्स्ट वन इज एवलेंज ब्रेकडाउन, सेकंड वन इज ज़ेनर ब्रेकडाउन, एंड थर्डली वी विल डिस्कस ज़ेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो पहले हम देखते हैं कि वो एक्चुअल में ब्रेकडाउन होता क्या है। अ स्मॉल रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लोज इन रिवर्स बायस कंडीशन इन पीएन जंक्शन डायोड ड्यू टू थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन एंड होल इन डिप्लीशन रीजन। हमें पता है कि जो पीएन जंक्शन डायोड है वो रिवर्स बायस कंडीशन में करंट के फ्लो को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि हमारा जो डायोड है वो सिर्फ फॉरवर्ड बायस में ही कंडक्टिंग रीजन में होता है, रिवर्स बायस में वो कंडक्टिंग रीजन में नहीं होता। लेकिन फिर भी एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सैचुरेशन करंट हमारा जो है वो फ्लो होता है रिवर्स बायस कंडीशन में ही भी। वो किसकी वजह से होता है? वो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन एंड होल की वजह से, जहाँ जो कहाँ पे होते हैं डिप्लीशन रीजन में हमारे जो इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेट होते हैं थर्मली, उनकी वजह से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ रिवर्स सैचुरेशन करंट हमारा रिवर्स बायस में भी फ्लो होता है, जैसा कि आप कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ में देख सकते हैं। अगर हम क्या करते हैं, रिवर्स बायस में वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, तो हमारा जो पहले है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन जब हम एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे पहुंचेंगे तब हमारा एकदम से बहुत रैपिडली करंट इंक्रीज होगा। व्हेन वी इंक्रीज वोल्टेज इन रिवर्स बायस एट अ पर्टिकुलर वोल्टेज दैट इज़ VBR, करंट इंक्रीजेज रैपिडली। दिस करंट कैन डैमेज डायोड ड्यू टू एक्सेस हीटिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा और जो वो करंट है वो हमारे डायोड को डैमेज भी कर सकता है। और जिस वोल्टेज पे ये एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, यानी कि रिवर्स बायस में जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करते करते VBR यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो हमारा जो करंट है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम से एक्सेस अमाउंट में फ्लो होता है, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन ब्रेकडाउन। ठीक है, तो हमारे जो ब्रेकडाउन है डिपेंडिंग ऑन डॉपिंग लेवल, किसके ऊपर, ब्रेकडाउन वोल्टेज VBR इज फंक्शन ऑफ डॉपिंग कंसंट्रेशन, यानी कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है VBR वो डॉपिंग कंसंट्रेशन का हमारे फंक्शन होता है, यानी कि जो पीएन जंक्शन डायोड है उसका हमने डॉपिंग किस तरीके से किया हुआ है VBR हमारा उसका फंक्शन होता है। सो डिपेंडिंग अपॉन कंसंट्रेशन लेवल ऑफ डोपेंट्स ब्रेकडाउन कैन बी ऑफ टू टाइप, मतलब जो डोपेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन के ऊपर बेस्ड होकर के हमारा जो ब्रेकडाउन है वो दो टाइप का हो सकता है। पहला है हमारा एवलेंज ब्रेकडाउन। एवलेंज ब्रेकडाउन हमारा कब होता है, जब हमारा जो पीएन जंक्शन है वो लाइटली डॉप्ड होगा, यानी कि लाइटली डॉप्ड पीएन जंक्शन में जो ब्रेकडाउन होगा वो हमारा एवलेंज ब्रेकडाउन होगा। और साथ ही साथ अगर ज़ेनर ब्रेकडाउन है वो कब होगा, ज़ेनर ब्रेकडाउन तब होगा जब हमारा जो पीएन जंक्शन है वो हैविली डॉप्ड है, यानी कि हैविली डॉप्ड पीएन जंक्शन में हमारा क्या होता है, हैविली डॉप्ड पीएन जंक्शन में हमारा ज़ेनर ब्रेकडाउन होता है और लाइटली डॉप्ड पीएन जंक्शन में हमारा एवलेंज ब्रेकडाउन होता है। तो एक एक करके हम दोनों ब्रेकडाउन को स्टडी करेंगे। तो पहले हम स्टडी करते हैं एवलेंज ब्रेकडाउन। एवलेंज ब्रेकडाउन होने के लिए हमारे दो कंडीशन का सेटिस्फाई होना बहुत ही ज़रूरी है। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि जो हमारा पीएन जंक्शन है वो लाइटली डॉप्ड होना चाहिए, यानी कि एवलेंज ब्रेकडाउन कब होगा, जब हमारा जब पीएन जंक्शन है वो लाइटली डॉप्ड है। और साथ साथ दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि जो हमारा डिप्लीशन रीजन है वो बहुत ही वाइड होना चाहिए। ये हमें पहले से भी एक रिलेशन पता होता है कि अगर लाइटली डॉप्ड जंक्शन है तो उसका जो डिप्लीशन विड्थ है वो ज़्यादा होगा, यानी कि वो एक कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मेंटेन करके रखते हैं। अगर डॉपिंग ज़्यादा है तो विड्थ कम होगा और डॉपिंग कम है तो विड्थ ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हमारा एवलेंज ब्रेकडाउन होने के लिए हमें लाइटली डॉप्ड पीएन जंक्शन चाहिए, साथ ही साथ जो डिप्लीशन रीजन है उसकी जो विड्थ है वो बहुत ही वाइड होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी हमारा क्या होगा, एवलेंज ब्रेकडाउन होगा। तो ड्यू टू अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज, जब हम रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करेंगे लाइटली डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड में, तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन डिप्लीशन रीजन गेट सफिशिएंट एनर्जी, किस वोल्टेज पे, VBR। जब हम ब्रेकडाउन वोल्टेज तक अपने रिवर्स वोल्टेज को लेके जाते हैं तब डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनके पास सफिशिएंट एनर्जी आ जाती है टू मूव करने के लिए, उनके पास सफिशिएंट एनर्जी आ जाती है। एंड व्हेन दे कोलाइड विद लैटिस पॉइंट्स, अगर वो लैटिस पॉइंट से हमारे कोलाइड करते हैं, लैटिस पॉइंट्स पे हमारे क्या है, वहाँ पे बॉन्ड है, किसके, सेमीकंडक्टर बॉन्ड्स हैं। तो अगर जब हमारे जो इलेक्ट्रॉन एंड होल है वो लैटिस पॉइंट से
टकराएंगे यानी कि कोलाइड करेंगे तो वहाँ के जो बॉन्ड है वो उसको ब्रेक करेंगे, तो दे विल नॉक आउट इलेक्ट्रॉन एंड होल देयर। तो लैटिस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रॉन एंड होल है उनको भी ये क्या कर देंगे, नॉक आउट कर देंगे, यानी कि वहाँ का जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा तो हमें और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एंड होल मिलेंगे, तो फिर से वो जो इलेक्ट्रॉन एंड होल हैं वो दूसरे लैटिस पॉइंट से जा करके कोलाइड करेंगे, तो फिर से हमें नए जो इलेक्ट्रॉन एंड होल दोबारा से मिलेंगे। तो सो वी गेट मैनी चार्ज कैरियर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन एंड होल, क्योंकि हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल है पीएन जंक्शन, तो दोनों ई और दोनों एच दोनों टाइप के चार्ज कैरियर्स होंगे, विच अगेन लीड टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। तो इस तरीके से हमें एक के बाद मल्टीप्लीकेशन फैक्टर में बहुत ही सारे चार्ज कैरियर्स मिलते चले जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्पैक्ट आयनाइजेशन। अब आयनाइजेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन एंड होल्स ने लैटिस से टकराया तो उसका उन्होंने क्या कर दिया, उनको आयनाइज कर दिया। आयनाइज करने का मतलब क्या है, हमारे पास जैसे नेगेटिव आयन्स रह गए तो यानी कि होल्स हमारे मूव कर गए, अगर हमारे पास पॉजिटिव आयन्स रह गए यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो उन्होंने मूव कर लिया, इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों ही फ्री चार्ज कैरियर बन गए। तो बहुत सारे फ्री चार्ज कैरियर आएंगे, इसलिए हमारा जो कंडक्शन है वो बहुत ही एक्सेस अमाउंट में होगा, यानी कि हमें बहुत ही ज़्यादा एकदम से करंट मिलेगा अगर हम ब्रेकडाउन वोल्टेज तक रिवर्स बायस में चले जाते हैं। तो पहले हमारे पास क्या था, एक बहुत ही कम अमाउंट का सैचुरेशन करंट था जिसको हम आई नोट बोल रहे थे। अब जैसे हम ब्रेकडाउन वोल्टेज पे गए, कब, जब लाइटली डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड है तो हमारा एक क्या होगा, एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से हमारा जो करंट है वो इंक्रीज हो जा रहा है। तो अब हमारा रिवर्स करंट क्या होगा, आई इज इक्वल टू एम आई नोट। एम क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, आई नोट क्या है, हमारा सैचुरेशन करंट है जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमारा पहले से था। अब इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एम इज इक्वल टू 1/(VR/VBR)n। VBR क्या है, जो आपने डॉपिंग लेवल लिया हुआ है उस डॉपिंग लेवल पे जो पीएन जंक्शन है उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो क्या है, VBR। और VR क्या है, जो आप पर्टिकुलर उस टाइम पे रिवर्स वोल्टेज को अप्लाई किए हुए हैं, तो वो है हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के लिए हमारे दो वेरिएबल हैं VR और VBR। VBR हमारा डॉपिंग से चेंज हो रहा है और VR हमारा क्या है, रिवर्स में जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा एवलेंच ब्रेकडाउन कब हुआ, जब हमारा जो पीएन जंक्शन था वो लाइटली डॉप्ड था और जो उसका डिप्लीशन विड्थ था वो बहुत ही वाइड था। अब हमारा दूसरे टाइप का ब्रेकडाउन है तो वो कौन सा है, जेनर ब्रेकडाउन। और ये कब होगा, इसके लिए भी दो कंडीशन का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन हमारी जेनर ब्रेकडाउन के लिए है कि हमारा जो पीएन जंक्शन है वो हैविली डॉप्ड होना चाहिए, यानी कि जेनर ब्रेकडाउन के लिए हमारा जो पीएन जंक्शन है वो हैविली डॉप्ड होना चाहिए और साथ साथ हमारा जो डिप्लीशन विड्थ है वो बहुत ही नैरो होना चाहिए, यानी कि बहुत ही पतला हमारा डिप्लीशन विड्थ होना चाहिए और हमारी जो डॉपिंग है पीएन जंक्शन की वो बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। तो विड्थ इज़ दैट नैरो दैट कैरियर्स कैन टनल अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन, यानी कि विड्थ जो है हमारी बहुत ही ज़्यादा नैरो होगी तो हमारे जो चार्ज कैरियर्स है यानी कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, क्योंकि हम रिवर्स बायस में काम कर रहे हैं तो रिवर्स बायस में हमारे चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कैन टनल अक्रॉस डिप्लीशन रीजन, तो वो कैसे टनल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स टनल फ्रॉम वैलेंस बैंड ऑफ पी साइड टू कंडक्शन बैंड ऑफ एन साइड। हमने क्या बोला कि रिवर्स बायस में हम क्या कर रहे हैं, हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को लेते हैं, तो पी साइड में हमारा वैलेंस बैंड में कौन सा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, इलेक्ट्रॉन्स हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। तो जैसे ही आप बहुत ही स्मॉल अमाउंट का रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे यानी कि ब्रेकडाउन जो वोल्टेज होगा वो अप्लाई करेंगे तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे एन साइड के, और जैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट पे, क्योंकि हमारा जो डिप्लीशन विड्थ है वो बहुत ही नैरो है, तो उन्होंने टनल कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स ने हमारे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की साइड वो टनल कर गए यानी कि वो क्रॉस कर गए। अभी किसकी वजह से हुआ, हमारे रिवर्स बायस वोल्टेज की वजह से हुआ। और हम मैं आपको बता दूं कि हमारा जो रिवर्स करंट होता है हमेशा ड्रिफ्ट करंट होता है, हमारा जो रिवर्स करंट होता है वो हमेशा ड्रिफ्ट करंट होता है और जो हमारा फॉरवर्ड करंट होता है वो हमेशा डिफ्यूजन करंट होता है। वो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि जो फॉरवर्ड करंट है उसको हम डिफ्यूजन करंट बोलते हैं और जो हमारा रिवर्स करंट है उसको ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। ड्रिफ्ट करंट मतलब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, ठीक है, और इस इफेक्ट को हम साथ में टनलिंग इफेक्ट भी
बोलते हैं। अब हमारा क्या है, आप भले ही आपका एवलेंज ब्रेकडाउन हो या फिर जेनर ब्रेकडाउन हो, प्रायर टू ब्रेकडाउन देयर इज अ हाई रेजिस्टेंस, यानी क्योंकि क्या है, हमारा पीएन जंक्शन जो है रिवर्स बायस में करंट फ्लो को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो प्रायर टू ब्रेकडाउन देयर इज अ हाई रेजिस्टेंस, बट आफ्टर ब्रेकडाउन रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल इन रिवर्स बायस, क्योंकि क्या हुआ, आर इज इक्वल टू वी बाई आई, जैसे हमारा हाई करंट फ्लो होगा यानी कि हमारा जो रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगा। साथ ही हमने जब जेनर डायोड देखा तो उसमें क्या हुआ, हमारे बैंड का कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से था कि जो पी साइड का जो वैलेंस बैंड था वो एन साइड के कंडक्शन बैंड के ऑलमोस्ट इक्वल था। वो किसकी वजह से था, रिवर्स कॉस बॉन्डिंग, मतलब रिवर्स बायस है, उसने बॉन्डिंग को किस तरीके से मॉड्यूलेट किया कि जो हमारा वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड किस साइड का, पी साइड का, इज अलाइंड विद कंडक्शन बैंड ऑफ एन साइड, यानी कि जो पी साइड में हमारा वैलेंस बैंड है वो एन साइड के कंडक्शन बैंड से कोलाइड करता, ऑलमोस्ट कोलाइड करता। तो हमारे दोनों टाइप के ब्रेकडाउन हमने देख लिए, एवलेंस ब्रेकडाउन भी और जेनर ब्रेकडाउन भी। अब हम जेनर डायोड देखेंगे, तो ये जो सिंबल है, सिंबल को भी याद रख के चलिए, ये हमारा सिंबल है जेनर डायोड का, और जेनर डायोड को हम रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं। फॉरवर्ड बायस में ये नॉर्मल डायोड की तरीके से बिहेव करेगा, नॉर्मल पीएन डायोड की तरीके से बिहेव करेगा, और रिवर्स बायस में हम इसको एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करते हैं। तो अगर पीएन जंक्शन का जो डॉपिंग है वो हाई होगा तो हमारा जेनर ब्रेकडाउन होगा, अगर लाइटली डॉपिंग है तो हमारा एवलेंज ब्रेकडाउन होगा। साथ ही साथ अगर जो डॉपिंग अगर हाई है तो हमारी जो वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो लेस होगी, और अगर डॉपिंग लाइट है तो जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो हाई होगी। यानी कि अगर डॉपिंग ज़्यादा रख दी तो उसका मतलब क्या है, हमारे पास ज़्यादा चार्ज कैरियर्स होंगे, तो ज़्यादा चार्ज कैरियर्स होंगे तो वो जल्दी इम्पैक्ट आयनाइजेशन हमारा कर लेंगे, तो इसलिए जो हमारा जो क्या है, जो वी बी आर है वो कम होगा, यानी कि जो डॉपिंग की वजह से हमारा जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो वेरी करेगा। ठीक है, बेसिकली अगर हम जेनर डायोड में आपसे पूछे कौन सा ब्रेकडाउन होता है तो हम उसको एवलेंज ब्रेकडाउन बोलते हैं। अगर हम उसको एज अ सिर्फ एक ही देखें तो हमारा सिर्फ एवलेंज ब्रेकडाउन होता है, किसमें, जेनर डायोड में। लेकिन अगर जैसे जैसे आप डॉपिंग लेवल चेंज करेंगे तो आपका एवलेंज भी हो सकता है और जेनर भी हो सकता है। तो जेनर डायोड इज़ यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, कब, जब इन रिवर्स बायस, जब ये रिवर्स बायस में होती है तो एज ए वोल्टेज रेगुलेटर बिहेव करती है। अब हमने देखा ब्रेकडाउन होते ही हमारा बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, तो उस हाई अमाउंट ऑफ करंट की वजह से हमारा जो सर्किट है यानी कि जो हमारा पूरा डायोड है वो डैमेज भी हो सकता है। इसलिए हम एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टर हमेशा साथ में यूज़ करते हैं अपने, जब भी हम रिवर्स बायस में अपने जेनर डायोड को यूज़ कर रहे हैं, ऑलवेज यूज़ करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस बिकॉज एक्सेस करंट कैन डैमेज डायोड। अब हम अगर डायोड को कनेक्ट करें तो दो तरीके से कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, ये हमारा इनपुट वोल्टेज है, इसको Vs भी बोल सकते हैं और वी इन भी बोल सकते हैं। तो वी इन, ये Rs क्या है, हमारे जो हमारा वोल्टेज सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये हमारा क्या है, जेनर डायोड है। तो जेनर डायोड के अक्रॉस हमारा Vz होगा, यानी कि जो ब्रेकडाउन पे जो वोल्टेज थी वो फिक्स्ड होगी। साथ में अगर ब्रेकडाउन अकर करने के लिए हमारा क्या है, रिवर्स में जो हमारा वी इन है वो बड़ा होना चाहिए हमारे Vz से, तभी ब्रेकडाउन होगा। तो ये तभी वर्क करेगा जब वी इन बड़ा होगा हमारे Vz से। साथ ही अगर ये कॉन्फ़िगरेशन ले, इसमें हम एक लोड रेजिस्टेंस भी कनेक्ट करेंगे, किसके पैरेलल में, अपने जेनर डायोड के पैरेलल में, ताकि जो हमारा करंट है यानी कि जो हमारा Vz है उसको भी मेंटेन कर सकें और जो करंट है उसके को भी हम लिमिट कर सकें। तो ये दो कॉन्फ़िगरेशन में दो तरीके से हम अपने जेनर डायोड को यूज़ करते हैं। तो दो तरीके का रेगुलेशन होता है, लाइन रेगुलेशन एंड लोड रेगुलेशन। तो ये दोनों टाइप के रेगुलेशन हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। लाइन रेगुलेशन का मतलब क्या है, जब हमारा सोर्स और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है, लोड रेगुलेशन में हमारा जो RL है वो वेरिएबल होगा। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलेशन, लाइन रेगुलेशन एंड लोड रेगुलेशन। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब स्क्वायर रूट अकेडमी। थैंक यू सो मच।